देखो 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 अभी हाथी जो कि सूर से बड़ा सींग खिला के ओ देखो कला पकड़ लिया, केला खाएगा अभी हाथी, कला खाएगा। ओह क्या बात है, क्या मजेदार है, क्या मजेदार है। ये देखो अभी शेर, शेर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है वो, क्या ऊपर चढ़ गया क्या? नहीं 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 पूछ हिला रहा है, पीछे हिला के हिलाते चल रहा है। अभी आगे हम लोग क्या देखने के लिए, पक्षी देखने के लिए जो कि ऊंट पक्षी हम लोग कहते हैं। तो हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर रिलैक्सिंग दास म्यूजिक। फ्रेंड्स हम लोगों का फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स अब लोग इस चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, जो कि हम लोग कलकत्ता में चिड़ियाखाना गए थे तो उसी का शेष पार्ट है ये, ठीक है, अंतिम पर्व है। तो अब लोग इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए मैं वीडियो में क्या क्या हो रहा है, आगे चलते हुए आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखते जाइए, हम लोगों का ये जो चिड़ियाखाना है कलकत्ता का अंदर पड़ता है, इस जगह का नाम है अलीपुर, ठीक है, अलीपुर चिड़ियाखाना। कोई सा भी चलेगा बोलने से, किसी को भी बोलने से चलेगा कि हम लोग अलीपुर चिड़ियाखाना जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले मैंने शेर का वीडियो डाला हूँ, ठीक है, अभी जो देख पा रहा हूँ शेर का वीडियो है ये वाला। तो एक शेर छूट गया था, फिर मैंने वीडियो पे कैप्चर कर लिया, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है अंतिम पर्व में दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स मैं और मेरा वाइफ आ गया हूँ चिड़ियाखाना में, तो ये अंतिम पर्व है, लास्ट पर्व है। इससे पहले और भी मैंने चिड़ियाखाना का वीडियो अपलोड किया हूँ, आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिए, ठीक है। तो एक शेर आप लोगों को दिखाया, और पिछले देखिए पिछले और भी मैंने यूट्यूब चैनल पे, मेरा इस चैनल पे और भी वीडियो अपलोड किया हूँ, तो आप लोग जाके देखेंगे तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी मैंने शेर के बारे में बहुत कुछ बताया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक शेर था, मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। तो वैसे शेर पे, शेर के सामने से हम लोग थोड़ा बहुत पैदल चलते चलते आगे थोड़ा क्या बाहर की तरफ जाएंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग आप लोगों को हाथी दिखाएंगे, ठीक है, हाथी दिखाएंगे और भी कई सारे पक्षी दिखाएंगे, बहुत ही मज़ेदार आने वाला है। और इससे पहले मैंने भी वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि संडे का दिन था, बहुत ही भीड़ था, ठीक है। अभी हम लोग जो दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को कैमरा में कैप्चर हुआ है, क्योंकि ये ज़्यादातर क्या है बाहर नहीं आता है, ठीक है, इंसानों के पास ज़्यादातर नहीं आते, इसको कहते हैं कि ये जो ज़्यादातर जंगल में रहता है, ठीक है, जंगल की शेर नहीं है, ठीक है, जंगल के शेर नहीं, ये देखो देख पा रहे आप लोग कैमरा में शायद देख पा रहे हो, ठीक है। ये कुत्ता बोलना ना, बोल बन का कुत्ता कहता है, ठीक है, बन का कुत्ता कहता है इसको, ठीक है, जो जंगल है जंगल की कुत्ता बोलते हैं इसको, जंगल के कुत्ते। तो ये बहुत क्या क्या करता है ना, ये काट देता है, ठीक है, मतलब क्या है बहुत ही हंग्री होता है इसका, ठीक है, दांत भी बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो वहीं से हम लोग क्योंकि अच्छे से नज़र नहीं आ रहा था इसलिए हम लोग कैमरा में नहीं किया, और थोड़ा चल मतलब आते आते इस जगह पे एक न्यू मतलब वो जो कुत्ता है जंगली कुत्ता उसके पास नहीं ये बना हुआ है, ठीक है, अभी न्यू तैयार हो रहा है, इससे पहले नहीं था, इससे पहले जब हम लोग अलीपुर चिड़ियाखाना पे आया था तो ये नहीं था, तो अभी न्यू बना रहे हैं, ठीक है, बट बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि बहुत ही न्यू न्यू चीज़ बनवाया है, और इतना ज़्यादा भीड़ है, संडे का दिन था, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, और अंदर ऐसा स्टॉल आप लोगों को मतलब देखने को मिलेगा, ठीक है, चिड़ियाखाना के अंदर ऐसा स्टॉल आप लोगों को देखने को मिलेगा। बट क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि एक आइसक्रीम हम लोग बाहर से खरीदता है, तो भाई बाहर से ख़रीदने के हम लोग को एक आइसक्रीम ज़्यादातर 10 15 20 ऐसे करके आता है, ठीक है, मतलब कि आप जो आइसक्रीम बाहर में ख़रीदते हैं, मैं जस्ट आइसक्रीम के थ्रू बता रहा हूँ, बट हर सारे प्रोडक्ट, ठीक है, हर सारे प्रोडक्ट ऐसे होता है, क्या है 10 प्रोडक्ट 10 का आइसक्रीम बाहर से ख़रीदते हैं ना, तो हम लोग अंदर 20 का ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा होता है अंदर, और बाहर एक बार निकल जाएंगे तो फिर वापस से टिकट कटवाना पड़ेगा। और फ्रेंड्स आप लोगों को पहले ही और भी इससे पहले वीडियो बताया हूँ कि टिकट का दाम आप लोगों को नहीं बताया, बट इस बार मैं बता दे रहा हूँ, टिकट का पर हेड, ठीक है, पर हेड 50 रुपये करके पड़ा था, ठीक है फ्रेंड्स,
और देखो मैं आप लोगों को अभी पक्षी दिखाने के लेके आ चुका हूँ, बट क्या करेंगे, बहुत सारा आदमी ऐसा ऐसा था, पहले तो पतला पतला जाल हुआ करता था, बट अभी मोटा मोटा कर दिया, क्योंकि बहुत सारा आदमी आता है, खाना वगैरह फेंक देता है, क्या होता है खाने वगैरह में कैसा कैसा चीज़ है नहीं है, ठीक है, ऐसा होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि आदमी सब कोई अच्छा होता है, बट क्या है फ्रेंड्स, हर कोई आदमी अच्छा नहीं होता है, ठीक है, उसमें भी कुछ कुछ बुरा आदमी आ जाता है, खाने के साथ कुछ मिला देता है, मिला देने के बाद अंदर छोड़ देता है, तो पक्षी वगैरह खाते हैं तो क्या करेगा, वो जिंदा रह पाएगा क्या, तो ऐसे होता था पहले, तो अभी क्या कर दिया, बहुत बड़ा बड़ा जाल कर दिया, करीबन एक दो हाथ हम लोग पीछे खड़े हैं जाल से, ठीक है, बाहर खड़े हैं, तो फ्रेंड्स पक्षी आप लोगों को देख पा रहे हैं, एक काकातुआ है और इधर पास में जो है टिया पक्षी, ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे, मतलब नजर मत बोलो, ठीक है, नजर मेको बोलते हैं, ठीक है, सीबीआर मेको, अभी देखो हम लोग कबूतर देखने के लिए आया, कबूतर कबूतर कैसे है ना, इसका झूठून है, झूठून मतलब क्या है, मत्थे पे इसका क्या है, थोड़ा ज़्यादा बाल होता है, ठीक है, इसे झूठून पक्षी बोलता है, कबूतर बोलता है, ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा बहुत इधर आ गए हैं, क्या देखने के लिए, वॉक बॉक बोलते हैं, ठीक है, जो कि मछली खाता है, और इधर हाँस हाँस देखने के, यार हम लोग, हमने तो थोड़ा ज़्यादा बता दिया है ना, ये हाँस देख पा रहे हो हम लोग। अब फ्रेंड्स आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है, देखिए हम बहुत मेहनत से वीडियो बनवाते हैं, ठीक है, आप लोगों को तो अच्छा लगेगा, शायद अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे आवाज़ आप लोगों को शायद अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स हम लोग भी, हम भी एक आप लोगों का तरह एक इंसान है, हम लोग, मैं भी एक आप लोगों का तरह दोस्त हूँ आप लोगों का, ठीक है, जो कुछ आप बोलना चाहते हो, आप लोगों का दोस्त हूँ मैं, आप लोगों का फ्रेंड हो, मतलब आप लोगों का भाई हो, क्या आप लोग मेरे से बड़ा होंगे तो कोई चाचा होंगे, ठीक है, कोई पिताजी का समान होंगे, तो फ्रेंड्स देखिए हम भी एक इंसान है, आप लोग भी इंसान है, तो इंसानियत की तरफ मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे अच्छे अच्छे अगले चैनल पे और भी अच्छे अच्छे वीडियो मिलेगा आप लोगों को, बट क्या अभी थोड़े बहुत ऐसे ऐसे वीडियो मिल रहे हैं, बट आप लोगों को अच्छा अच्छा वीडियो मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और देखो हम लोग उधर से थोड़ा बहुत पक्षी वगैरह देख के इधर आ गए, जो कि जल हस्ती बोलते हैं, जल हस्ती, ठीक है, जल हस्ती, देखो कितना बड़ा मुँह खुल लिया, देखो 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 बात देखो, ठीक है, जल हस्ती इधर एक खड़ा है, और उधर क्या ना डाइने की तरफ, ठीक है, राइट की तरफ एक पानी वाला पहले देखा चुका हूँ, ठीक है, तो उस पानी में पूरा डूबा हुआ है, ठीक है, सिर्फ उनका मुंह उठा हुआ है, वो भी आप देख नहीं सकते, ठीक है, ऐसा पानी में रहता है, आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, ये देखो पानी में, ये देखो पानी में, ठीक है, राइट की तरफ, और क्या बोलो फ्रेंड्स, मेरा मैंने हाथ से ना कैमरा मतलब छूट रहा है, ऐसा ज़्यादा भीड़ हो गया था, ठीक है, इतना ज़्यादा भीड़ हो गया था, क्या बोलो, ठीक है, देखो 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 ये जल हस्ती, ठीक है, पूरा पानी में ही रहता है, ज़्यादातर पानी में ही पूरा रहता है, क्योंकि इनका शरीर इतना गर्म होता है, इतना गर्म होता है मत बोलो, ठीक है, तो ये पूरा पानी में रहता है, तो जब मन चाहे तो ऊपर आ जाता है, ठीक है, फिर घूम घूम के फिर चला जाता है, वो देखो देखो पानी में, पूरा पानी में डूबा हुआ है, ठीक है, राइट साइड में दिखा है ना, वो पूरा डूबा रहता है, ठीक है, और ये जल हस्ती देखो, हाँ जल हस्ती देख रहे हो, तो फ्रेंड्स जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, हम भी एक इंसान है, आप लोग देखो कितना बड़ा मुंह खुला है, देखो कितना बड़ा मुंह खुला है फ्रेंड्स, कितना बड़ा मुंह खुला है, क्या ही बोलूं, ये देखो पानी से उड़ गया, राइट साला वाला जो बोला है ना, राइट साइड पे जो जल हस्ती बोले थे, देखो वो भी उड़ गया, ठीक है, वो भी उड़ गया, अभी देखो ये बच्चे लोग बोल रहे हैं, काका अंकल अंकल हम लोग भी दिखना है, हम लोग भी दिखना है, मैंने सोचा ठीक है चलो आप लोग देख लो, ठीक है, मैं चलता हूँ, तो इतना ज़्यादा भीड़ है क्या बोलूँ, ठीक है, अभी देखो ये ऊंट पक्षी है, इसको आप लोग शायद पहचानते होंगे, इसका अंडा बहुत ही बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, ऊंट पक्षी भी बोलता है, हाँ ऊंट पक्षी भी बोलते हैं, ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहे, बहुत कुछ और भी देखने को मिलेगा, शायद मैं अच्छा कैमरामैन नहीं हूँ, हाँ आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा पता नहीं, मालूम नहीं है, बट आप लोग शायद एक बार सपोर्ट करेंगे तो और भी बहुत अच्छे अच्छे मैं वीडियो आप लोगों को सरप्राइज में दे सकता हूँ, है कि नहीं, वीडियो और भी अच्छा अच्छा अपलोड कर सकता हूँ, आप लोग इस वीडियो को देखिए और कैसा लग रहा है आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है इस वीडियो को देखने में, या और भी मतलब कहाँ पर गलती मेरा है,
आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे, तो मैं उसके थ्रू ही मैं आप लोगों को वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। और कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता के अंदर कौन सा जगह का वीडियो बनाना है आप लोग कमेंट करके बोलेंगे, तो मैं ज़रूर उस वीडियो का भी आप लोग इस चैनल पे मैं दूंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करेंगे देंगे तो मैं ज़रूर उसका वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। और मेरा इस चैनल पे कहां से आप लोग वीडियो देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि हमको भी पता होना चाहिए ना कि आप लोग कहां से वीडियो देख रहे हो। तो ये इतना बड़ा बड़ा जाल लगा हुआ है ना फ्रेंड्स, क्या ही बोलूँ, ठीक है। शायद आप लोगों को इस वीडियो में मज़ा नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसे मेरे को लग रहा है, बट आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग को ऐसे ऐसे चलते चलते आगे कहाँ देखने के लिए, लायन, ठीक है, लायन, ओके, हम लोग लायन देखने के लिए आ गए फ्रेंड्स। ओके थोड़ा दिखाते हैं, ठीक है। अभी देखो क्या है, बहुत ज़्यादा भीड़ तो था, मैं साइड से चलता रहा क्योंकि उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था लायन, ठीक है। तो मैंने बहुत बार का किया वहाँ पर चिल्लाया, तो क्या है वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। और क्या है उसका ना बिल्कुल मूड ऑफ था, ठीक है, उसका बिल्कुल मूड ऑफ था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और नहीं इधर देख रहे ना कहीं। देखो मैं आप लोगों को कैमरे के अंदर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो पूरा मुंह उसका जो घर है उस घर की तरफ देख के बैठा हुआ, मतलब एकला सुनसान में जैसे बैठा हुआ है ऐसे लग रहा है, ठीक है ना, पूंछ हिला रहा है, ठीक है, पूंछ हिला रहा है, बैठा रहा है, हाँ। देखो पूरा साला जंगल का असली मर्द है ना, मर्द जंगल का मर्द है ना। तो देखो मैंने जाल के अंदर थोड़ा बहुत इधर देखो, भीतर में भी ना है, अंदर पे भी वो जाल लगा हुआ है, तो देखो लायन बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, एक बार भी इधर नहीं घूम रहा है, मैं पकड़ के रखा हूँ कैमरा, एक बार भी मुंह इधर नहीं कर रहा है, ठीक है, एक बार भी नहीं कर रहा है। हाँ और पीछे से बच्चे लोग बोल रहे हैं अंकल सरो, ये देखो क्या कर रहा है बच्चा लोग, ठीक है, शेर मतलब क्या बोले, अंदर बैठा हुआ है पूरा आराम से, नहीं हम लोग को देख रहे, मतलब क्या है उनका मन में जैसे हो रहा है ना, गर्लफ्रेंड छोड़ के चला जाता है, ब्रेकअप कर देता है, ब्रेकअप करके चला गया उनके साथ, ब्रेकअप कर दिया, हाय ब्रेकअप कर लिया, ऐसे हो गए, ठीक है। तो चलो शेर रॉबलम हम लोग को देखेगा नहीं, तो यहाँ से चलते हैं, हाँ। तो हम लोग थोड़ा बहुत चलते चलते आगे, इधर कहाँ देखने के लिए, इधर हम लोग देखने के लिए आगे जो कि क्या चीज़ आप लोग बता सकते हो नहीं बता सकते हो, चलो हम ही बता देते हैं, ठीक है। मयूर हम लोग देखने के लिए आया है, मयूर, ठीक है। मयूर तो आप लोग शायद क्या है हरी हरी देखे होंगे, ठीक है, हरी हरी मयूर देखेंगे, तो हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे जो कि एक तरफ है पूरा सादा, ठीक है, वाइट सादा रंग का है, और दूसरी तरफ इधर मिट्टी के रंग के, देखो मिट्टी का रंग के भी है, तो इधर मयूर दो रंग की है, देख पा रहे हो, एक पूरा बिल्कुल वाइट है और एक जो है इधर देखो बैठा हुआ है, ठीक है, और भी शायद चल रहा है, अंदर भी है खड़ा, बिल्कुल मिट्टी का रंग की तरफ है। अच्छा फ्रेंड्स आप लोग को एक बात बता देता हूँ, मैं उस टाइम पे जो रिकॉर्डिंग किया था ना वहीं पर बहुत सारे गाना बज रहा था, ठीक है, इसके पहले भी चिड़ियाखाना जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया हूँ मैंने उस वीडियो में बताया हूँ, तो इस वीडियो में बता दे रहा हूँ कि उस टाइम का जो रिकॉर्डिंग हुआ था ना बहुत ही ज़बरदस्त हुआ था, बट क्या करें मैंने YouTube पे अपलोड किया था, कॉपीराइट क्लेम आ रहा था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आदमियों का फ़ोन पे गाना बज रहा है, किसी ने बॉक्स लेके आया गाना बजा रहा है, ठीक है। देखो असली जो मतलब हम लोग जो मयूर देखते हैं, जिस मयूर को हम लोग का भारत में जो जातीय पक्षी हम लोग का जो यहाँ पर दिखा हुआ इस रंग की, और ये देखो सादा जो वाइट वाला, ठीक है, वाइट वाला मयूर है और मिट्टी की रंग की, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना,
ये बहुत ही अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो अब लोग देखते रहिए, क्योंकि मैं वीडियो को और ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, यहाँ से चलते हैं हम लोग। इस बार ही हम लोग आ गए हाथी देखने के लिए, ठीक है। एलिफेंट जो कि हाथी, हाथी देखने के लिए आ गए। अब लोग इससे पहले नई वीडियो देखेंगे तो चैनल पर जाके देख लीजिए कितना सारा भीड़ है। और मतलब इससे पहले भी मैं आ चुका हूँ अलीपुर चिड़ियाखाना पे, दो बार आया हूँ, बट इतना ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ है, ठीक है। अभी जो कि भीड़ हुआ है, देखो 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 देखो, कलाकार है, ठीक है, कला कलाकार है, हैं। देखो देखो सूंड कितना बड़ा है, सूंड से देखो देखो कला उठ रही है। यहाँ पर है ना एक बच्चे लोग, बच्चे के पास कला था तो कला छोड़ दिया, और उसके बाद वो क्या है, नींबू था, ठीक है, बड़ा नींबू था, और नींबू भी छोड़ दिया। हाथी क्या करे, उठा के देखो 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 उठा रहे और खा लिया। ये देखो अभी कला खाएगा हाथी, अभी कला खाएगा, ठीक है। तो अभी क्या कर दिया मैंने, हाँ एक बात बोलना भूल गया मैं, कि यहाँ पर ना करीबन 6-7 गो हाथी था पहले, ठीक है। अभी 2-3 गो ऐसे हुआ वो गुजर गया है, ठीक है, 2-3 गो ऐसे हुआ, ज़्यादा उम्र हो गया था तो गुजर गया। तो अभी इधर एक है, और क्या है ना दूसरी तरफ मतलब अंदर भी शायद एक या दो है, ठीक है, अंदर में। तो अभी हाथी ज़्यादातर इधर नहीं है, ठीक है, ज़्यादा हाथी अभी नहीं है, हाथी को नहीं रखा है इधर। तो फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं बात करेंगे हम लोग, इसी हाथी को दिखा के हम लोग यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। और इस अलीपुर चिड़ियाखाना का अंतिम पर्व है। आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठोक के लाइक कीजिए।